नमस्ते नमस्ते। दोस्तों, रीडिस्कवर पॉम्पे में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज सुबह को जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले ये सोच मेरे मन में आया कि आज का दिन और दिनों से बहुत अलग है। आज जनता कर्फ्यू का दिन है और भगवान करे कि सब अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूर होगा। एक छोटा सा वायरस, लेकिन देखिए इसका आतंक देखिए पूरे मानवता को चपेट में लेकर आ चुका है। और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये महामारी जो पूरे देश पूरे विश्व को अपने जकड़ में ले चुकी है, इसे बाहर निकले। और हम इसके लिए जितना भी हो सकता है हम अपने कोशिश कर रहे हैं, हम अपने तरफ से जितना भी हो सकता है लगे हुए हैं, जनता कर्फ्यू का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी हुई है हम उसको पालन कर रहे हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा जो हमारा जो 130 करोड़ का परिवार है सबको फॉलो करें। देखते देखते देखिए एक राष्ट्र इकट्ठा हो गया है एक महामारी को, एक जंग से, मतलब ये जंग ही है हमारे लिए, इसको हम विजय होना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, लेकिन हर चीज़ के साथ जैसे एक साइड, एक पॉजिटिव साइड भी होता है, हर चीज़ का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो इस भयानक परिस्थिति ही से लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड हम ये मानकर चल सकते हैं कि हमें अपने परिवारों के साथ पूरा पूरा वक्त बिताने का अच्छा मौका मिला है और अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी आदतें कैसे बनाए रखनी चाहिए वो सीखने को मिला है। बहुत सारी चीज़ें हमें, नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिला है। और साथ ही साथ जो हमारा जो रोज़ का जो बिज़ी और मैकेनिकल लाइफ हो चुका है तो उनमें से हमें एक ब्रेक मिला है। तो हो सकता है कि इसका परिणाम जो है ये हो कि ये हमारे आसपास का जो वातावरण है, ये जो एनवायरनमेंट है, ये काफ़ी हद तक दूषण मुक्त, पॉल्यूशन फ्री हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को और बचा सके, जितना हो सके कम हम ट्रैवल करें, जितना हो सके हम घर के अंदर रहें, अपने परिवार के साथ समय बिताएं, इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा जो हमें दिख रहा है अगले आने वाले 2-3 दिनों में भी, और भी हमें दिखेगा कि हम अपने परिवार के साथ कैसे एक साथ हम रह सकते हैं, हम एक साथ अपना समय बिता सकते हैं, क्या क्या नए कार्यक्रम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ज़रूर आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में प्रदूषण काफ़ी हद तक नीचे होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टार्ट हुआ कैसे है, ये बेसिकली एक वायरस है जो इसको हम कहते हैं कि बहुत छोटा सा वायरस है बट ये इतने बड़े महामारी का रूप आ चुका है बिकॉज काफ़ी हद तक ना ये बहुत नेग्लिजेंस के हुआ है, लोगों ने इसको बहुत ही हल्के में लिया है। छोटे छोटे चीज़ों से भी हम इससे बचाव रख सकते थे बट अभी इस महामारी की वजह से गवर्नमेंट ने पूरा लॉकडाउन का, ऑलमोस्ट हम उस जगह पे आ चुके हैं जो लॉकडाउन हो सकता है। ये अगर हम थोड़े से सावधानी रखते, क्लीनलीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्लीनलीनेस होने से ये शायद हम इतना आगे नहीं बढ़ पाते। अभी 342 लोग इस पे चपेट में आ चुके हैं इंडिया में, जिसमें से 6th डेथ आज सुबह दोपहर के आसपास 1-1.30 बजे के आसपास हुआ है बिहार में। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका है। आप सोचिए कि अगर इस रफ्तार से बढ़ता रहे तो ये आगे आने वाले समय में कितने बड़े एक विराट रूप ले सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से जितना भी हो सके लोगों को एजुकेट करें ताकि हम क्लीन एनवायरनमेंट में रहें, अपने आप को क्लीन रखें, दूसरों से डिस्टेंस मेंटेन करें। बिल्कुल। और लाखों की तादाद में जो लोग मतलब बीमार हुए हैं इस भयंकर महामारी से संक्रमित हुए हैं और हज़ारों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, वो भले ही सबके सब हमारे देशवासी, भारतवासी ना सही, लेकिन हम उनके लिए और उनके परिवारजनों के लिए हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं, इतनी कोशिश कर सकते हैं कि इस महामारी से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आए।
बिल्कुल निकलेगा, इस महामारी का रास्ता ज़रूर निकलेगा। यूएस में अभी वैक्सीन, आज सुबह ही हमें पता चला है कि वैक्सीन ह्यूमन बॉडी में टेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। बट स्टिल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे वो अथॉरिटीज़ कह रही हैं 1 महीने के अंदर अंदर वैक्सीन शायद मार्केट में आ जाएगा, बट 1 महीना भी इस घातक बीमारी के लिए बहुत, जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा समय है। वो बिल्कुल बहुत आगे निकल चुका होगा तब तक, अगर हम थोड़ी से अपने आप को सावधान रखें। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हमारा इम्यून बहुत स्ट्रांग है, ये ना, ये हम नहीं मानते हैं, क्योंकि आप एक कैरियर भी हो सकते हो बिल्कुल इस वायरस के लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से जितने भी हो सके, आपके जो भी जानने वाले हैं, आप रिक्वेस्ट करें सबको कि जितना हो सके घर में रहें, ताकि गवर्नमेंट बिल्कुल को एक्शन लेने में आसानी हो, क्वारंटीन बिल्कुल। और हमारे किया जा रहा है माननीय तो। प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम लिया है तो उसको पूरी तरह से सम्मान देते हुए, और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक, सिर्फ आज 22 मार्च की बात नहीं है, ये हर दिन की बात है, कम से कम अगले काफ़ी दिनों तक की बात है। जब हम इस मुहिम को कंटिन्यू करें, और इन्होंने जैसे कहा, जैसे सब कह रहे हैं कि ये सारे चीज़ों को हम प्रिकॉशंस को हम लें, ताकि जल्द से जल्द इस रोग से मुक्ति मिले। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे हम सबसे आग्रह किया हुआ है कि आज का दिन ये जनता कर्फ्यू, आज का दिन क्या, अगर ज़रूरत पड़े तो अगले कुछ दिनों तक हम ये जनता कर्फ्यू को बनाए रखें, इसको फॉलो करें। बिल्कुल और या बिल्कुल बिल्कुल, हाँ काफ़ी प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो हमारे टच में भी आए हैं, जो चाहते हैं और सोचते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ अफेक्ट नहीं होगा। देखिए ऐसा है, हम ये मानते हैं कि अफेक्ट नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा, हम चाहते हैं नहीं हो, लेकिन अगर हुआ तो बहुत बड़ा विपदा आ सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं आपके थ्रू जितने भी आपके चाहने वाले या जानने वाले हैं, उनको आप रिक्वेस्ट करें कि अगले आने वाले 1-2 सप्ताह कोशिश करें घर से ही काम करें, जितना हो सके घर से बाहर ना निकले हैं। गवर्नमेंट पूरी तरह से सक्षम है, हम ये मानते हैं, हमारी इंडिया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स सारे लगे हुए हैं इस बीमारी को बहुत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन हमारी एक चूक, जिसको कहते हैं ना, एक आदमी भी अभी अगर अफेक्टेड रह जाता है तो अगले 1-2 सप्ताह में वो 1 लाख, ये अभी स्टडीज हुई है, 1 लाख लोग अफेक्टेड हो जाएंगे। तो दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि वो चेन रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो, उसको यहीं पे बंद करें। और आज का दिन सच में एक विशेष दिन है, और सुबह से हमने काफ़ी कुछ नोटिस किया है, बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया है। हम गुड़गांव में रहते हैं, और ये एरिया सेक्टर 56 है, और यहाँ पे हमने सुबह से ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत लोगों ने इसको फॉलो किया है। हालांकि कल से जो काफ़ी लोगों ने इस ड्रिल को मतलब फॉलो किया है, बहुत लोगों ने ताली बजाकर आज सुबह से भी घंटियाँ बजाकर ऐसे ये कर रहे हैं, इसको इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लोगों ने इसको सुबह से किया हुआ है। और इतना ही यही, चारों तरफ दुकानें बंद है, लोगों की आवाजाही बंद है, और ये देख के अच्छा लग रहा है कि हम सब इसको तहे दिल से फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, हाँ इंडिया एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, पेट्रियाटिक कंट्री है, अपने देश के लिए हर भारतवासी बहुत आगे तक जाता है, बिल्कुल और इस मुहिम में एक दूसरे का साथ देते देते पूरे गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, और मुझे लगता है इससे आगे कुछ और इंडिया में हो नहीं सकता है। इतना अच्छा बड़ा मुहिम चल रहा है, हमें दिखाना है कि हम एक देश कैसे इस महामारी से लड़ सकते हैं एकजुट होकर, एकजुट होकर। बिल्कुल। और और शाम के 5 बजे का जो मुहिम है, बेसिकली शाम के 5 बजे हमें जो उन सबको धन्यवाद देना है, जो हम सबके लिए अपनी जान को, जो हम सबके लिए अपने घर बार को छोड़कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए, जो हमारे सोसाइटी की सर्विस के लिए जो निकले हुए हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, या फिर शायद दवाई की दुकानों में काम करने वाला वो स्टाफ हो, या फिर कोई भी हो जो जैसे हमारे हेल्थ यहाँ पे, वर्कर्स हैं, एग्जैक्टली हेल्थ एग्जैक्टली वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे
इस तरह के एपिडेमिक क्राइसिस है, जैसे हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स हैं जो इस तरह के एम्बुलेंसेस को चला रहे हैं, ड्राइवर्स बिल्कुल हैं, जो बिल्कुल टेलीकॉलर्स हैं, हम सब एग्जैक्टली उसको उनको शुक्रिया अदा देते हैं सबको धन्यवाद और हम हम देना चाहते चाहते हैं हैं। कि हमारे थ्रू, आपके थ्रू पूरे देश में ये आह्वान हो कि 5 बजे सब एक साथ मिल के उनको नमन करें, उनको शुक्रिया अदा बिल्कुल करें और इनको हम ऐसा दिखाएं कि आपके जैसा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ हैं जो इस मुश्किल घड़ी में अपने परिवार से दूर होके इस महामारी से आप हमें बचाने के लिए निकले हैं। पूरी दुनिया को हमें दिखाना है कि भारत क्या कर सकता है। तो चलिए शाम के 5 बजे हम चाहेंगे कि इस अच्छी सी मुहिम के हम एक भागीदार बने, और बिल्कुल मैं ये भी कोशिश करूँगी कि हमारे आसपास के जितने भी पास पड़ोसियाँ हैं उन सब का रिस्पांस कैसा है, उन सब ने कैसे रिस्पॉन्ड किया उसको भी मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी। और बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं है 5 बजने में, तो बहुत जल्दी मैं उस वीडियो को लेके आप सबके सामने मैं लेके आऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।